सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा या चौंकाने वाली बात कही है नसरुद्दीन शाह सर ने। और नसरुद्दीन शाह हमेशा अपने ओपन व्यू पॉइंट्स के लिए, अपने तीखे सवाल के तीखे जवाब के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे नसरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए उन्हें पूछा गया काफी कुछ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बहुत ही सलीके से कही लेकिन सच कही है। उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान अगर ये तीनों किसी भी टॉपिक के बारे में, यानी कि सोशल इश्यू जो देश के है, कोई भी अगर कुछ बोलेगा इन तीनों में से, तो वो लोगों के पास लूज करने को बहुत कुछ है। यानी कि बहुत कुछ वो लोग लूज करेंगे अगर कोई कंट्रोवर्शियल बातें या कोई चीजें उन्होंने अगर बोली तो। एक तो पैसे वो लूज करेंगे, फिल्मों को लेकर उनका नुकसान होगा, इसके अलावा पर्सनल भी बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और ये बातें इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन बातों को हमने कहीं ना कहीं देखा है होते हुए। सलमान खान ने जहां पे कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर के बारे में काफी कुछ कहा था, तो सलमान खान के ऊपर किस तरह से लोगों ने तिरस्कार किया, उनके घर के सामने आके नारे लगाए थे, ये हमें पता अच्छे से। इवन आमिर खान ने जब कहा कि इंडिया में रहने लायक अब नहीं है, ऐसा लगता है कि अब इंडिया में ना रहो, कहीं और देश, तो आमिर खान को किस तरह से ट्रोल किया गया ये आपने देखा। इसके अलावा शाहरुख खान ने इंटोलरेंस को लेकर कि भाई मतलब अब सहना काफी मुश्किल हो गया, अभी बहुत ज्यादा लोगों में वो हो गया, मतलब सहने की क्षमता कम हो गई, अब बहुत ज्यादा लोग इंटोलरेंट हो गए हैं, मतलब गुस्से वाले हो गए, इस तरह की बातें भी शाहरुख खान ने कही थी। तो शाहरुख खान को उससे काफी कुछ झेलना पड़ा नुकसान। तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ये तीनों भुगत चुके हैं अपनी बातें जो उन्होंने रखी थी कभी किसी वक्त पर, और उससे उनकी फिल्मों को नुकसान हुआ है। और इसीलिए अभी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों से कोई भी ऐसा सवाल पूछो जो कंट्रोवर्शियल हो, मैं दावे से कहता हूं वो उस सवाल का जवाब नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक कि अर्णब गोस्वामी ने जब सलमान खान को काफी कुछ बुरा भला कहा था, याद होगा आपको, एक साल पहले की बात है ना लगभग, तो उस दौरान भी सलमान खान चुप रहे थे, कुछ नहीं बोला था सलमान ने, कुछ नहीं बोला था। और इंक्लूडिंग जो आमिर खान को लेकर भी हाल फिलहाल में ट्रोलिंग हुई थी, टर्की को लेकर हुआ था बीच में, फिर से ट्रोलिंग हुई थी, उस पर भी आमिर खान ने कुछ नहीं जवाब दिया। सो कंट्रोवर्सीज के बारे में अब कोई भी बॉलीवुड स्टार स्पेशली ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इससे मैटर बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगा और उनकी फिल्मों को नुकसान होगा, पर्सनल लाइफ में भी उन्हें खतरा है कहीं ना कहीं। तो ये खतरे को भांपते हुए अब तीनों स्टार्स नहीं बोलते हैं। और ये नसरुद्दीन शाह ने यही बात कही है, इफ शाहरुख, सलमान, आमिर खान विल स्पीक ऑन एनी सोशल इश्यू, किसी सोशल मुद्दे पर अगर बात करेंगे तीनों स्टार्स, तो उनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ, यानी कि बहुत सारी चीजें वो लोग खो देंगे, या उन्हें नुकसान होगा, उनकी फिल्मों को नुकसान होगा, या फैमिली में भी इश्यूज हो जाएंगे। तो ये बात नसरुद्दीन शाह ने जो कही है ये लाख टके की बात है और सीधे तौर पे कही है, और ये बात से मैं 100% एग्री हूं और मुझे लगता है आप लोग भी एग्री होंगे क्योंकि ये लोग अगर कुछ भी बोलते हैं शाहरुख, सलमान, आमिर, तो वो कंट्रोवर्सी पक्का क्रिएट करेगा कि चाहे वो किसी भी तरह से हो। इसलिए ये लोग अगर ना बोले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे और शांत रहे, अपने काम में ध्यान दें, वही ज्यादा फिलहाल सही है। लेकिन क्योंकि अगर इन्होंने जब भी मुंह खोला है पिछले कुछ सालों में, इनके ऊपर काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ ही हुआ है। दोस्तों, इस खबर के बारे में क्या लगता है आपको? ये बहुत ही डिफरेंट तरह की खबर है, इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे लगा इस खबर को आप तक पहुंचा दूं, इसलिए मैंने ये खबर बताया। और नसरुद्दीन शाह की बात से कितना एग्री है तीनों खानों को लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।